हाय एवरीवन, तो आई एम सोल्व करने वाले हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 का एक क्वेश्चन। और देख, क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से होंगे कि जैसे जैसे कोई टॉपिक हो जाएगा हमारे यहाँ पर वीडियोस में, हम ऐसे ऐसे उनके ऊपर क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे वो है, इफ डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल इज नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सोल्यूशन। ध्यान दो, ये डेंसिटी दी हुई है मेथेनॉल की, और पूछा है कितने वॉल्यूम की जरूरत होगी एक 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.25 m। सबसे पहले हमें डेंसिटी दी गई है, और ध्यान दो आपको एक रिलेशन यहाँ पे याद रखना है, बहुत सिंपल रिलेशन है वो, ये आपके सबके याद होगा और होना भी चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हम इस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्योंकि ये फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। मोलैरिटी क्या होता है आपका, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन mv, अगर ml में हो तो 1000 लिखेंगे, अगर लीटर में हमें यहाँ पे पुट करनी हो वैल्यू v की तो ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। मेरे पास जो दिया गया है वॉल्यूम कितना दिया गया है, ध्यान दो यहाँ पे मोलैरिटी m का क्या मतलब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड, जो भी मेरे पास सॉल्यूट या कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, तो वॉल्यूम कितना है मेरे पास 2.5 लीटर। ओके, मोलैरिटी कितनी दी गई है, मोलैरिटी दी गई है मुझे 0.25 m, 0.25 m। ओके, उसके बाद W मुझे पता नहीं, ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब W फाइंड W नहीं है मेरे पास, अगर W होता मेरे पास, ठीक है, W होता मेरे पास तो मैं इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेता, वॉल्यूम भी है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, W मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ से मोलैरिटी कितनी होगी आपकी 0.25 इज इक्वल टू W आपको फाइंड आउट करना है, एम कितना होगा आपका, सवाल है ये वाला। देखा देखो, मेरे पास मेथनॉल है ना सोल्यूट, है ना, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक, भाई एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, 12, एक कार्बन है तो 12 रखो। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, तीन और एक, चार, एक होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, तो चार हाइड्रोजन, चार रखो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, एक, 16 होता है इसका, 16 रखो, 12 4 16 इज इक्वल टू 32, ये क्या आ गया आपका, एम आ गया, निकले कितना, ग्राम पर मोल। ओके देखो जरा, एम यहाँ पे कितना आएगा, 32, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है इसका, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। देखो ये सब मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.25 × 32 × 2.5, मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, देखो 25 की मल्टीप्लाई करो, 25 × 50, 0, 25 × 75, 80, 8 आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा ये पूरा, ठीक है भाई, 800 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है दो के बाद तो पॉइंट लगा लिया, इंटू 2.5, 25 200 होता है, ठीक है, 200 होता है, एक के बाद पॉइंट है तो 20 ग्राम आएगा, कितना आएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, W कितना आ गए, 20 ग्राम, ठीक है। ओके, उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डेंसिटी कितनी दी गई है मेरे पास क्वेश्चन में, ध्यान दो 0.793, डेंसिटी कितनी गई है 0.793, ठीक है। मास मुझे पता लगेगा कितना है मास मेरे पास, कहाँ गया, अच्छा ये निकाला हमने मास यहाँ पे, सॉरी मास कितना दिया गया है मुझे, 20 ग्राम, अपॉन में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, वी इधर ले आएंगे, 20 अपॉन 0.793, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा बात है इस क्वेश्चन से, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 25.22 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ml में आएगा, लेकिन वो कैसा आएगा मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो मेरे पास 793 था ना, वो कितना था, किलोग्राम पर लीटर, जो 0.793 है वो किलोग्राम पर मोल में है, ये मेरे पास ग्राम में आया है, ठीक है। अगर मैं ग्राम पर मोल में, ग्राम पर लीटर में चेंज करना चाहूँ उसको, सॉरी ग्राम पर लीटर में चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्या कितना आएगा फिर मेरे पास, 793 ग्राम पर लीटर, 793 ग्राम पर लीटर, ठीक है।
आप ग्राम पर लीटर में रख के देखो जरा इसको। अगर आप सुनो मेरी बात, अगर आप यहाँ पे 0.793 रखोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर एमएल में आ जाएगा। ठीक है, एमएल में आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेंसिटी को रखते हो 793 करके, ठीक है, ग्राम में हो गया और ये ग्राम पर लीटर में हो गया, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और इससे ये कैंसिल, है ना। तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.0252, ठीक है, कितना लीटर, ये आएगा आपका लीटर में। अगर आपको इसको एमएल में चेंज करना है, तो आपका आएगा 25 बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये 0.123 इधर से खिसक जाएगा, तो 25.2 ml आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं करो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप ना किलोग्राम पर लीटर में रख दो, जो आंसर एकदम निकल के आएगा वो 25.2 ml निकल के आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट आपका आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन था इस तरीके से, हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वे जिनके टॉपिक यहाँ पे हो चुके। ओके।